हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बापूधाम मोतिहारी बिहार से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के बारे में। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बापूधाम मोतिहारी बिहार से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच में चलती है। हर इतवार को ये बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होती है और इस ट्रेन का नंबर है 14009। 21 घंटे 5 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 965 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो जो मैं आपको चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक का होगा। थर्ड एसी का जो किराया वो है 1235 रुपये। इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया वो है 455 रुपये के करीब। इसमें कोई GST चार्ज नहीं शामिल होता, बस रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 250 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके बापूधाम मोतिहारी स्टेशन बिहार से इसके आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक कौन कौन से स्टेशन हैं। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है हफ्ते में एक दिन चलती है। इतवार को ये बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से रात के 9:10 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सगौली जंक्शन में रात के 9:30 पे पहुंचती है और 9:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बेतिया में ये ट्रेन जो है रात के 9:46 पे पहुंचती है और 9:50 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। नरकटियागंज जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10:23 पे पहुंचती है और 10:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिनगर में पहुंचती है। हरिनगर में ये ट्रेन जो है रात के 10:42 पे पहुंचती है और 10:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। भागा में ये ट्रेन जो है सुबह रात के 11:07 पे पहुंचती है और 11:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में कप्तानगंज में रात के 1:10 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर जंक्शन में रात के 2:30 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 2:40 पे रात को वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती स्टेशन में सुबह 3:40 पे पहुंचती है और 3:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मनकापुर में सुबह 4:32 पे पहुंचती है और 4:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन में सुबह 5:05 पे पहुंचती है और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन सीतापुर जंक्शन में सुबह 8:15 पे पहुंचती है और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 540 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। चंदौसी जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:57 पे पहुंचती है और 4:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है वो मुरादाबाद जंक्शन में दोपहर के 3 बजे पहुंचती है और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है वो हापुड़ जंक्शन में पहुंचती है। हापुड़ जंक्शन में शाम के 4:50 पे पहुंचती है और 4:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। गाजियाबाद जंक्शन में ये शाम के 5:43 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 952 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है यहां तक। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली में शाम के 6:15 पे पहुंचती है और अपनी 965 किलोमीटर की यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखें।